नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर, एक टेंट में मौजूद हूँ और लगातार गाजीपुर बॉर्डर से किसान आंदोलन की तस्वीरें, किसानों की बातें आप तक मैं पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ और लगभग आप समझ भी पा रहे होंगे कि क्या चल रहा है अभी फिलहाल किसान आंदोलन में। और आज मेरे साथ मौजूद है भारतीय किसान यूनियन के युवा नेता अभिजीत बाल्यान, इनसे भी कुछ बात करेंगे और समझेंगे कि क्या तैयारी आगे की चल रही है, क्योंकि राकेश टिकैत साहब ने 2 अक्टूबर का आह्वान किया कि 2 अक्टूबर तक ये आंदोलन चलेगा, उसके की प्लानिंग तब तक की कई सारी बातें करनी है और इनसे समझेंगे कि सर पहले तो ये बताएं कि 3 महीने होने वाले हैं इस आंदोलन को, सरकार की तरफ से कुछ रुख हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो आगे क्या करेंगे? देखो, जो ये काले कानून सरकार ने बनाए हैं, थोपे गए हैं जो किसानों पे, ये किसान को बर्बाद करने वाले कानून हैं। जो किसानों की ज़मीनें हैं वो कॉरपोरेट को चली जाएगी अगर ये लागू हो गए कानून। और हम लगातार 3 महीने से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार के दिमाग में किसान शब्द आया है कि कई किसान हैं, अब तक इन्होंने किसानों का कभी कोई जिक्र नहीं किया। चुनाव के दौर पे ये जिक्र करते थे किसान, तो जब ये जीत गए उसके बाद इन्होंने किसान का नाम तक नहीं लिया। अब आंदोलन चल रहा है, इनके दिमाग में किसान आया है। देखो, आंदोलन चल रहा है, क्या होता है, ये कानून न वापस लेने पड़ेंगे। किसान यहाँ डटा हुआ है और 2 अक्टूबर नहीं, जब तक का ये बिल वापसी नहीं होते तब तक हम घर वापसी नहीं करेंगे सर। क्योंकि सर सरकार का तो कोई रुख दिख नहीं रहा है ना, इसलिए मैं सवाल ये इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि सरकार का कोई रुख नहीं दिख रहा है। 23 तारीख को जो आखिरी बैठक हुई थी कृषि मंत्री के साथ, उसमें भी उन्होंने ये कह दिया कि हम 1.5 साल के लिए स्थगित करेंगे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते आप लोगों के लिए, और आप उस पर राजी है नहीं, और ना आपकी कोई बात हो रही है ना सरकार से कोई बात हो रही है, तो आगे कैसे समझौता होगा, कैसे समाधान होगा, बीच का रास्ता कुछ है या नहीं है? देखो, सरकार संशोधन पर अड़ रही है, हम बिल वापसी पड़े हुए हैं संशोधन से। जब एक बात बताओ, जब मोदी जी कहते हैं कि ये बिल गंगा की तरह पवित्र है, तो फिर इसमें संशोधन कैसा, बिल में कमी है? जब भी तो सरकार संशोधन को कहती है, अमित शाह कहता है कि पूरा बिल संशोधन करा लो लेकिन बिल वापसी को मत कहो, हमारी बेइज्जती हो जाती है। बोला कानून तो कई कई साल बाद वापसी होते हैं, अभी तो 4-5 महीने ही हुए, तो ये अपनी इसमें बेइज्जती मान रहे हैं बिल्कुल वापसी लेने। आप भी तो बेइज्जती मान रहे हैं सर कि आप घर नहीं लौटेंगे, आप भी तो बेइज्जती मान रहे हैं अपनी। अरे हम मर जाए क्या, किसान मर जाएगा अगर ये लागू हो गया, हमारी जमीनें जा रही है। तो देश का जो ये आंदोलन है, ये किसान आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन है, अन आंदोलन है, जो अन्न खाता है उसका आंदोलन है। किसान क्या है, किसान तो अपना जितना वे खाता है एक साल में अपना पैदा करके अपना काम चला लेगा, लेकिन जो देश में जनता है ये कहाँ जाएगी? 80 जो FCI से 80 करोड़ लोग FDS प्रणाली से अनाज लेते हैं, वो सब बंद हो जाएगा। उनके 80 करोड़ लोगों के पेट पर लात मारने का काम भाजपा सरकार कर रही है। तो जो ये हम अपनी बेइज्जती नहीं मानने घर वापस जाने में, हम सरकार से कह रहे हैं कि ये बिल हमारे लिए आए भाई, इसमें मोदी योगी का कोई काम नहीं है, बिल हमारे लिए आए तो हमें ना वापसी कराना रहे कि हमें नहीं चाहिए कानून, आप वापसी ले लो, कानून तो हमारे लिए बने हैं, तो ये बिल ना वापसी लेने पड़ेंगे। तब तक किसान आंदोलन चलता रहेगा, अनंतकाल तक चलेगा, चलेगा जब तक भी इनकी मर्जी हो। हमें कोई मोहरत थोड़ा ना निकले, हमारा कोई हमें कुछ चिट्ठा थोड़ा दिखाना पड़े पंडित जी से कि आंदोलन कब तक चलना। राकेश टिकैत भी बंगाल जाने की तैयारी कर रहे हैं, 20 मार्च के बाद कह रहे हैं कि हम बंगाल जाएंगे, तो क्या मकसद है बंगाल जाने का, कोई चुनावी कोई रैली कोई इस तरीके के चुनाव का कोई मकसद, जो आगे जाके चुनाव लड़ने का कोई मकसद? हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, हम नॉन पॉलिटिकल है। और राकेश टिकैत जी का जो बंगाल का प्रोग्राम है, वो जैसे भी संयुक्त किसान मोर्चा तय करेगा आगामी कार्यक्रम, तो बंगाल का बात आएगी तो बंगाल जाएंगे। और हमारी भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है, ना हमारी मोदी जी से लड़ाई, वे प्रधानमंत्री के पद पे हैं, सम्मानित पद है, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी जो नीतियां हैं हम उसका विरोध करते हैं। जो नीति है किसान विरोधी नीति, इन्होंने इतने देश में 370 हटाई, 35A NRCC, हमने इनका सबका समर्थन करा क्योंकि राष्ट्र का मामला है, राष्ट्र में हम कुछ नहीं देखेंगे। हमने अपने भाई बॉर्डर पर भेज रखे हैं, सबसे बड़ा जो देशभक्त है वो किसान है। राष्ट्र के मामले में जो एक अच्छे काम करेंगे हम इनकी सराहना करेंगे, इनकी प्रशंसा करते हैं, इनका समर्थन करते हैं, लेकिन जो किसान विरोधी इनकी नीतियां हैं, ये कानून है, इनका हम विरोध करेंगे, मरते दम तक विरोध करेंगे। एक सवाल और कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं आपकी मांगें ऐसा लग रहा है बढ़ती जा रही हैं, टिकैत साहब भी मंच से उस दिन कह रहे थे कि पेट्रोल के दाम डीजल के दाम बढ़ाए गए और गन्ने की कीमतों की बात होती है, लेकिन आपकी जो मांगे जो संयुक्त मोर्चा की मांगे हैं उन मांगों में ये चीज़ें शामिल नहीं, उन मांगों में सिर्फ आपके 3 कानून हैं और MSP पर कानूनी वो जो गारंटी चाहिए आपको, तो क्या आप ये मांगे पूरी करवा के जाएंगे या फिर ये मांगे अलग से रखी जाएंगी?
अब तो किसान दिल्ली आ गया, अब तो जितने हमारी मांगे हैं MSP पे भी कानून बना है, ये तीनों बिल वापसी, और गन्ने का जो उत्तर प्रदेश का मामला है वो बिल्कुल 4 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ा, हर साल सैलरी बढ़ जाती है कर्मचारियों की, लेकिन गन्ना रेट तस का तस ही है बिल्कुल, और खाद का कट्टा 50 किलो का था 45 किलो का हो गया, रेट बढ़ गए, कीटनाशक के रेट बढ़ गए, और उत्तर प्रदेश में गन्ने की हालत सड़कों पर फेंकने के लिए तैयार है किसान गन्ने को। तो वही सवाल है कि वो गन्ने की जो कीमत की अर्जी है वो लखनऊ में डाली जाएगी या फिर दिल्ली में ही? वो लखनऊ में डाली जाएगी, विधानसभा घेराव किया जाएगा अगर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अगर इस मामले को सीरियस नहीं लेती, गन्ने का रेट नहीं बढ़ता, तो आंदोलन योगी सरकार के खिलाफ होगा। चलिए, तो योगी सरकार की बात हुई, तो अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, तो आपको कितना समझ रहे हैं क्योंकि 3 महीने का यह आंदोलन हो चुका है, आगे कब तक चलेगा कुछ पता नहीं है, तो उत्तर प्रदेश के चुनावों में यह आंदोलन कुछ प्रभाव डालने वाला है? आप ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे क्या कि ये आंदोलन कितना प्रभाव उत्तर प्रदेश के चुनावों में डालेगा? देखो, जो इस सरकार को लाया है वो किसान और जवान लाया है, मोदी जी के हमने बहुत बड़े बड़े बैनर देखे, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, और 14 दिन में हम भुगतान कराएंगे, 13 दिन में किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, इस तरह के वादे लेकर आए थे, और इन्होंने ब्रेन वॉश किया है किसानों का, उनके साथ इन्होंने शोषण हुआ है, किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी नहीं भारतीय जुमला पार्टी इसे हम कहेंगे, और 2022 का चुनाव है उसमें नतीजे बदलेंगे, अगर ये अपनी मांग पर ये अपने हट पर अड़े रहे तो किसान क्या कमज़ोर है? किसान कमज़ोर नहीं है, किसान आंदोलन करना जानता है और अपना अधिकार जानता है मत का, तो इसे जवाब देना है काम देश का किसान करेगा। तो कई लोग ये भी पूछते हैं कि आप प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं कि 2022 तक वो आपकी आय दोगुनी कर देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, तो भरोसा क्यों नहीं होता है? अरे एक बात तो बताओ, कहाँ है वो फॉर्मूला आय दोगुनी करने का, कौन सा वो सूत्र है, कौन से वे नियम है जिनसे आय दोगुनी हो जाएगी गन्ने का? तीन कानून से होगी ना, तीन कानून कहाँ होगा, ये तो सीधम सीध जो हम अनपढ़ थोड़े ना है, हमने कानून पढ़ा है दिन में कई बार पढ़ के, हमने इसकी स्टडी की है पूरी, जून जुलाई से हम इस कानून का विरोध कर रहे हैं पूरे देश में, और इस ये कानून जो भी है कि किसान के लिए नहीं, ये कॉरपोरेट घराने को, हमारी ज़मीनें हमारी जो मेहनत है वो कॉरपोरेट हो जाएगी, सब कुछ हमारी ज़मीनों में फैक्ट्रियाँ होगी, ये 2 करोड़ रोजगार का जो मोदी जी ने वादा किया था ना, हमारे 14 करोड़ रोजगार खा गया मोदी 1 साल के हिसाब से, और जो ये हमारे रोजगार का सिस्टम है इनका, ये हमें वहाँ पे हमारी ज़मीनें होगी, इसमें फैक्ट्रियाँ होगी, हम उसमें मजदूर होंगे, ये उनका फॉर्मूला होगा रोजगार का, बोला हमने रोजगार दे दिया, अरे हम तो अपनी किसानी नहीं छोड़ेंगे, हमारे लिए अगर किसान का भला चाहते हो, देश का भला चाहते हो, तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करो, किसान क्या है, जब किसान कोई खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। मोदी जी तो कहते हैं कर दी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू, कहाँ कर दी, कुछ कानून है कुछ नियम है हमें सब पता है, बहकाऊ मत, तुम तो कह रहे थे MSP पे खरीदी गारंटी दे रहे, गारंटी नहीं चाहिए हमें, कानून चाहिए बिल्कुल, ठीक है, संसद का काम कानून बनाने का है, जो हमने प्रतिनिधि अपने भेजे हुए हैं उनका काम देश के लिए कानून बनाने का है, गप्पे मारने का नहीं है, विदेश यात्रा करने का नहीं है, मोदी जी अपने सांसदों को बुलाओ, इस कानून को रद्द कराओ, नया कानून बनाओ, हम साथ देंगे, हम समर्थन करेंगे, हमसे बात करो, किसानों से पूछो, ये सर्वे बाद में भी तो कराते हैं, इस कानून पास होने के बाद उन्होंने पंचायतें कराई किसानों की भारतीय जनता पार्टी ने कि किसान इस बिल के समर्थन में, हम किसानों से बात करेंगे, पहले भी तो बात कर सकते थे, हम ये बिल लेकर आ रहे हैं, हमें बताओ क्या कमी इनमें है और क्या तुम इसमें जोड़ना चाहते हो, ये बात भी तो कर सकते हैं, ये राजनीति की तो बात करते हैं गाँव में जा जाके, हमें वोट दो, इनके रोजाना नए नए एजेंडे चलते हैं, आज कुछ आज कुछ, तो इस तरह के किसानों से भी तो बातचीत कर सकते हैं कि तुम्हारी मांग क्या है भाई, तुम ये बताओ तुम्हारी फसल का इतना रेट बढ़ाए से तुम्हें क्या लाभ होगा, इस दवाई के कम कीमत करने से क्या लाभ होगा, ये बात नहीं करना चाहते, सीधम सीधा इस देश के जो ब्राजील में जैसे देखा हो आपने 280 किसान है, इतने बड़े देश में ही ऐसे ही अम्बानी अडानी किसान होंगे दो, हमारी ज़मीनें सारी कॉरपोरेट को देना चाहते हैं, हम जाने नहीं देंगे, ज़मीन को किसान अपनी माँ मानता है और माँ का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करने के बिल्कुल भी। सर एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैं ख़त्म करूँगा, कि अच्छे बुरे की बात तो हम काफ़ी कई वीडियो में कर चुके हैं, कई वीडियो में बात हो चुकी है कि क्या अच्छा है इस कानून में, क्या बुरा है इस कानून में, और लेकिन सर सवाल फिर वहीं आके टकता है कि 90 दिन 3 महीने होने को इस आंदोलन को सड़कों पर बैठे हुए, इससे पहले भी अपने अपने ज़िलों में अपने अपने राज्यों में किसान आंदोलन कर रहे थे, पंजाब से शुरू हुआ आंदोलन, सड़कों पर बैठे 3 महीने होने वाले हैं, समाधान नहीं निकल रहा है सर, कोई राह नज़र नहीं आ रही, कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है इस आंदोलन का, कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा है इस आंदोलन का। सही बात है आपकी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्या कर रहे हैं
जब सरकार सुन नहीं रही है तो आंदोलन छोड़ के थोड़े ना घर जाया जाएगा। अगर ये आंदोलन किसान ने ख़त्म कर दिया ना बिना बिल वापसी के, तो किसान जमीन के अंदर गिर जाएगा, देश में कोई आंदोलन नहीं होगा। मैं देश के किसानों की बात करना चाहता हूँ, ये आंदोलन आज पूरे देश का किसान एक है। अगर ये आंदोलन आज ख़त्म हो जाता है तो पूरा देश का किसान मिट्टी में मिल जाएगा, कोई आंदोलन नहीं होगा। एक हमारी गन्ने की पर्ची पर तारीख बदलने की हैसियत नहीं रहेगी। इतना शोषण, जेलों में किसानों को ढूंसा जाएगा, जो 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में शामिल ट्रैक्टर होने आए थे उन्हें खींच खींच के थानों में डाल देंगे। हमें पता है इस सरकार की तानाशाही का रवैया, नोटिस भेजे जा रहे किसानों के घर। अरे उन्होंने कुछ देशद्रोही गतिविधि क्या कर दी? अरे चलो, उन्होंने झंडा का मामला था, किसान तो वहाँ पहुँचे ही नहीं। ये सब बहका के इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही। जो भावनाएं देश के किसानों के साथ थी, इस आंदोलन के साथ थी, वे सारी इन्होंने उल्टा करने का काम किया। लेकिन देश का सब नागरिक समझदार रहे, समझ गए कि सरकार की चाल थी। आंदोलन 3 महीने चले या 3 साल चले, हम हर एक चलता रहेगा। हम यहाँ डटे रहेंगे दिल्ली के बॉर्डर पर, हम किसान आते रहेंगे जाते रहेंगे, अपने खेती का भी काम करना है, सब है, कोई दिक्कत नहीं है। आंदोलन की कोई सीमा नहीं होती। आपने 26 जनवरी का सर जिक्र किया, तो एक सवाल और आखिरी सवाल कि उस दिन जो हुआ सर, जो भी हुआ उस दिन, तो कई किसानों को जेलों में भी डाला गया, और लेकिन सवाल ये सर यहाँ उठता है कि उस दिन कोई भी बड़ा किसान नेता, बड़ा या छोटा, नज़र नहीं आया सर उस दिन। कहाँ थे सारे किसान नेता? मैं यहीं पर था उस दिन जब हमने दिल्ली पुलिस से रूट मांगा कि आप हमें रूट दो, तो दिल्ली पुलिस रात को 12 बजे रूट लेकर आई 25 जनवरी को, और रात को 12 बजे हमें रूट दिया कि आपको इन रूट पे जाना है। तो हम जैसे उन रूट पे ट्रैक्टर लेकर पहुंचे तो वहाँ पे बैरिकेडिंग की हुई थी। दूसरा रास्ता जो लाल किले पे जाने वाला रास्ता था वो खोला हुआ था, तो किसानों ने सोचा कि हमारा रास्ता बंद किया हुआ है, तो किसानों को भड़काने का काम किया है। इसमें जो किसान वहाँ पे पहुँचे हैं, मैं लगातार उसमें मार्च में शामिल था, तो मैंने 50 किसानों से बात की कि तुम कहाँ जा रहे हो, बोला हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। किसान दिल्ली नहीं आया कभी, दिल्ली तो आने नहीं देते किसान को, बॉर्डरों पे रोक देते हैं। अरे किसान आतंकवादी है क्या? किसान इस देश का मालिक है, चौकीदार रोकेगा किसान को? चौकीदार खुद चोर है, बेईमान है, भ्रष्टाचारी है। और ये जो 26 जनवरी का मामला पूरा करा कराया सरकार का है, वहाँ पे ट्रैक्टर, वहाँ पे सिद्धू का जाना और फिर बैरिकेडिंग दोबारा हो जाना, हमें सब पता है। आपकी भी जिम्मेदारी बनती थी ना, जब 2 जनवरी को ये ऐलान हुआ कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर के साथ रैलियां की जाएंगी दिल्ली के अंदर, तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती थी कि किस तरीके से ये शांतिपूर्वक हो सकता है? देखो, मैं जब वहाँ पे लगातार मार्च में शामिल था, मैंने किसानों को रोकने का प्रयास किया, किसान रुके भी, लेकिन किसानों को नहीं पता था कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। किसान नहीं जानता दिल्ली के रास्ते, जो दिल्ली के नागरिक है वही भूल जाते हैं दिल्ली के तो रास्ते। तो किसान वहाँ पहुँचा, हमने किसानों को समझाया, हमने बातचीत की कि रास्ता बोले लाल किला बजा रहा है, हमने किसानों को वहाँ से ट्रैक्टर मुड़वाए और दिल्ली से बाहर निकलवाए ताकि किसी प्रकार का कोई मामला ना हो। दिल्ली पुलिस काम सम्मान करते हैं, दिल्ली पुलिस में हमारे भाई बंद है, कहीं दिल्ली पुलिस पाकिस्तान से चाइना से तो आ नहीं रही, हमारे भाई है, सब किसानों के बेटे ही पुलिस में हैं। तो हमने बहुत प्रयास किया ताकि कोई हिंसा ना हो, किसानों ने कोई हिंसा नहीं की, वे कुछ उपद्रवी थे, सामाजिक तत्व थे जिन्होंने की, उनका किसानों से कोई मतलब नहीं है ना हमारा उनसे कोई मतलब है। उन जो सामाजिक असामाजिक तत्व थे जिन्होंने इस तरह की हिंसा का अंजाम दिया, उन पर हम कार्रवाई की मांग करते हैं, निर्दोष किसान है। अभी आप कह रहे ना उनसे हमारा कोई मतलब है ना, उनका हमसे कोई मतलब है, फिर कुछ लोग जेल में जिनको डाला गया आपके उनकी रिहाई की भी मांग करते हैं? जाँच होनी चाहिए ना, ऐसा होता है जब 50 आदमी होते हैं, 50 में 5 अगर असामाजिक तत्व है तो 50 को गिरफ्तार कर लिया तो उन्हें 45 को छोड़ने का हक बनता है। जांच करने हैं, उनकी लोकेशन निकालो, हमारा प्रशासन है, इंटेलिजेंस है, अगर उन पर जांच सही नहीं होती तो इसका मतलब हमारी देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। क्या उन्हें कैसा प्रशिक्षण दे रहा है, क्या उन्हें जो जाँच नहीं कर पा रहे, कौन निर्दोष है और कौन दोषी है ये बताए सरकार। सरकार अपना बहम निकाल दे कि किसान को हम वापस भेज देंगे, किसान वापस नहीं जाएगा, यही मर जाएगा, किसान खेत में आत्महत्या करे यहाँ बॉर्डर पर मर जाएगा, रिकॉर्ड तोड़ा आत्महत्या हो रही है, 31 सेकंड में किसान आत्महत्या कर रहा। यू कृषि प्रधान देश है, यहाँ का किसान 31 मिनट में किसान की आत्महत्या, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। मोदी जी आप सुधर जाओ, आपको मतदान दिया है, आपके बैगों में वोट भरी है किसानों ने, इसका जवाब किसान पूरा देगा। दिक्कत की बात है, किस तरीके से जवाब देंगे बता देंगे समय पर? धमकी से लगते हैं लोगों के जवाब देंगे, जवाब किस तरीके से? हम धमकी नहीं, हम मोदी जी को सही तरीके से कह रहे हैं अपनी भाषा में, सुधर जा मोदी जी, नहीं ऐसा इलाज कर देंगे ये किसान।
चलिए तो इसी के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म करूँगा। आपने सुना बालियान जी को, किसान भारतीय किसान यूनियन के युवा नेता हैं, युवा चेहरा हैं, और आगे आने वाले टाइम पर आप इनको भी देखेंगे अपनी तस्वीरों पर। तो जिस तरीके की बात, जो आंदोलन लगातार 3 महीने का हुआ और तमाम उतार चढ़ावों के साथ आगे बढ़ा, तो उसमें कई तस्वीरें, 26 जनवरी का भी वो दिन, 28 जनवरी का भी वो दिन जो हमने देखा, जिसके बाद जन सैलाब 28 जनवरी के बाद आया और 29 तारीख की तस्वीर देखने लायक थी। लेकिन फिर उसके बाद एक डेडलॉक की सरकार से बातचीत होना बंद, अब कोई भविष्य नज़र नहीं आता। तो आने वाले समय में लगातार आप जुड़े रहे हमारे साथ, तस्वीरें किसान आंदोलन की दिखाने की मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ, और आगे क्या होगा, कब नतीजा निकलेगा, कैसे समाधान होगा, सारी बातें, सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।